हनुमानगढ़ी येथे 16 डिसेंबर ते 20 डिसेंबर दरम्यान संपन्न होणारे शिव महापुराण कथा कार्यक्रमाला 5 लाखाच्या वर भाविकांची गर्दी येणार असल्याचा दावा आयोजकांनी केला आहे। अशात लाखो भाविकांची कोणती गैरसोय होऊ नये याकरिता युवा स्वाभिमान पक्षाचे सर्व पदाधिकारी युद्धपातळीवर कामाला लागले आहे। आयोजित कथा कार्यक्रमात पार्किंग, भोजन कक्षा, पाण्याची व्यवस्था, डोम व्यवस्था, वीज पुरवठा, सुरक्षा आदी व्यवस्थेची माहिती जाणून घेण्यासाठी आमचे प्रबंध संपादक डॉक्टर चंदू सोष्टिया यांनी शनिवारी हनुमानगढी गाठून येथील सर्व ठिकाणची पाहणी केली। या दरम्यान युवा स्वाभिमान पक्षाचे पदाधिकारी इंजिनियर कोहडे यांच्याशी चर्चा करून या परिसरात करण्यात आलेल्या तयारीचा संपूर्ण आढावा घेतला। मिलिंद कोहडे है जो इन्होंने यहाँ का पूरा नक्शा बताते इनसे जानते हैं कि कितने फुट का डोम है, कितने फुट यहाँ पे लोग बैठेंगे, क्या कितना क्या चल रहा है अभी, ये पूरा ये जो काम चल रहा है कितने समय तक पूरा हो जाएगा, क्या लगता है? अभी आप फिलहाल देख सकते हैं यहाँ पे डॉक्टर्स की टीम जी, हमारे मेडिकल की टीम यहाँ पे, मेडिकल की टीम यहाँ पे हमारी संपूर्ण आ चुकी है। हमने अभी यहाँ पे मेडिकल इमरजेंसी सर्विसेज का यहाँ पे प्लानिंग किया है कि जिसमें एक वैद्यकीय कक्ष, लेफ्ट साइड में हमारा एक 15x60 का एक बड़ा सा वैद्यकीय कक्ष रहेगा, उसमें एक कार्डियक एम्बुलेंस खड़ी रहेगी और एक इमरजेंसी एग्जिट का हमने, आप देख सकते हैं कि इस साइड में रोड बना हुआ है कि जहाँ से अपन इमरजेंसी एग्जिट ले सकते हैं, वो साइड में भी एक वैद्यकीय कक्ष हमने क्या क्या बना हुआ है। आ सकती है कुछ ऐसे मेडिकल पर्पज के हिसाब से तो हमने यहाँ पे एक 70 डॉक्टर्स की टीम यहाँ पे पूरी जो आने वाली, यहाँ पे 70 डॉक्टर्स यहाँ पे रहेंगे, उसमें ज्यादातर महिलाएं जो रहेंगी, उसके कारण हमने महिलाओं की डॉक्टर्स ज्यादा बुलाई हुई है। तो किसी को कुछ छोटी मोटी दवाई लगती है यहाँ पे रात का समय, यहाँ जो रुकने वाले लोग हैं या समय के साथ जो आने वाले लोग, कुछ पैनिक भी हो सकते हैं, किसी को कुछ अटैक आता है या कुछ भी आता है, कार्डियक अरेस्ट होता है, तो हिसाब से पूरी प्लानिंग करके हमने मेडिकल कक्ष वो साइड में बनाया हुआ है, एक लेफ्ट साइड में जो कि रोड से सीधे एम्बुलेंस ड्राइवे से अपनी सीधी दवाखाने तक पहुँच सके। और अभी आप यह देख सकते हैं कि ये मेन पंडाल है जो कि 132 फीट का है, यहाँ पे भी जो 132 फुट ऐसी लंबाई, 132 फीट में विड्थ में और लेंथ में 700 फुट का है, 700 बाय 132 का ये मेन पेंडल है जहाँ महाराज जी की कथा होंगी। और ये लेफ्ट साइड में आप बात देख सकते हो कि 100 बाय 700 का ये छोटा पेंडल है, 7000 फुट ये, उसके बाद में राइट साइड में 100 बाय 700 और उसके बावजूद और लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं 100 बाय 700 का पाइप पेंडल दिया हुआ है सादा, और उसमें वो साइड में भी पाइप पेंडल दिया हुआ है। ऐसे कुल मिला के 532 बाय 700 फीट का ये टोटल कथा स्थल का यहाँ पे आयोजन, 3.5 लाख फुट के करीब यहाँ पे अंदर कवर्ड जगह है जिसमें बैठ सकते हैं। उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि जो ओपन ग्राउंड है जहाँ से अभी आप होते आए वो 500 बाय 800 मतलब नियर अबाउट 4 लाख स्क्वायर फुट का यहाँ पे भी एक बड़ी जगह है कि जिसमें यहाँ पे बाहर भी लोग अगर कुछ बैठना चाहे बाद में या बाहर निकलने के साथ भी जो जगह बचती है, टोटल अपने पास 7.5 लाख फुट ये कथा का प्रीमाइसेस। उसके बावजूद खाने का जो भोजन कक्ष जो रखा हुआ है वहाँ पे भोजन कक्ष में आप देख सकते हैं वो साइड में भी 80 बाय 200 का पंडाल बना हुआ है जिसमें पूरा भोजन बनेगा, और उसके बावजूद उसके बाद में बाहर 4 एकड़ में लोग जो है वहाँ पे भोजन ले सकते, भोजन का आनंद ले सकते। और भी यहाँ पे जो हमने ड्राइवे भी बना हुआ है, मतलब स्टेज से लेके पूरा 15 फीट का बीच में ये ओपन रहेगा। अच्छा, तो किसी भी तरह का कुछ भी इमरजेंसी होता है तो स्टेज से लेके यहाँ तक कुछ भी वीआईपी या सादे अपने जो भक्तगण यहाँ बैठने वाले हैं किसी को भी कुछ इमरजेंसी होती है तो वो ड्राइवे से एम्बुलेंस सीधी स्टेज से लेते हुए पूरी यहाँ तक रोड तक पहुँच सकती है। एक वे ऐसा रहेगा जो ड्राइवे बना हुआ है हर पेंडॉल में, तो इस तरह का एक माइनर और माइनर प्लानिंग हमने यहाँ पे भक्तगणों के लिए किया कि किसी को कुछ दुविधा ना हो। हमारे हनुमान चालीसा चैरिटेबल ट्रस्ट के सम्माननीय हमारे लप्पी सेठ जाजोदिया, इनके पूरे मार्गदर्शन में ये कथा का यहाँ पे आयोजन हुआ है। उनके साथ में जब हमने बैठ के प्लानिंग किया तो इतने जहाँ पे नियर अबाउट 5 लाख लोग हम यहाँ पे सोच रहे हैं कि यहाँ पे आ रहे हैं, तो वो हिसाब से किसी भी भक्त को उनको कुछ भी तरह की तकलीफ ना हो इससे पूरे माइनर प्लानिंग हमने यहाँ पे किया हुआ है। हम यहाँ देख रहे हैं कि ऊपर पूरी तरह से काम चालू है, साथ में ये तो चालू, उसके बाद में इसके साथ में शायद लाइटिंग, बाकी सिस्टम और भी पाइप्स वगैरह डालो, क्योंकि सारी मैक्सिमम सिस्टम शायद मेरे ख्याल से अंडरग्राउंड ऊपर से रहेंगे, लाइटिंग की व्यवस्था वगैरह, लाइट व्यवस्था भी ये टोटल डोम से बाहर चलेंगे और यहाँ पे पूरा साउंड भी लगेगा। हर सेक्शन में हमने 10-10 स्क्रीन का भी यहाँ पे 10 स्क्रीन का भी लगाने का प्लानिंग किया है ताकि जो भी भक्तगण हमारे पीछे साइड में बैठ रहे या साइड में बैठ रहे उन सबको स्क्रीन के माध्यम से महाराज जी की कथा सुनने में भी आएगी और दिखने में भी आएगी। ऐसे बीच में बैरिकेडिंग्स भी की हुई है, बीच में जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको जो बोला एक ड्राइववे हम बना रहे हैं,
कि जो स्टेज से लेकर पूरे आखिरी तक मतलब जो मेन रोड है जहाँ से हमने कोई कभी वीआईपी आता सीधा उस मार्ग से सीधा जा नहीं, वीआईपी के लिए तो नहीं है, वीआईपी के लिए वो अलग से रोड बना हुआ है, वो इमरजेंसी एग्जिट जो बना हुआ है कि किसी को कुछ तकलीफ, एम्बुलेंस पूरी ये रोड में हमारे रहने वाली है, तो जो भी एम्बुलेंस है वो सीधा स्टेज से लेके वहां तक एम्बुलेंस अंदर के अंदर चल सकती है। स्टेज की हाइट, स्टेज की हाइट जो है अभी फिलहाल अभी 8 फुट तक बनी हुई है, उसके ऊपर महाराज जी का और 2 फीट का एक छोटा डायस आएगा, उसके ऊपर महाराज जी विराजमान होंगे, उसपे 10 फीट का टोटल, वहाँ पे 10 फीट के डायस के ऊपर महाराज वहाँ पे बैठेंगे, वहाँ से कथा सुनाएंगे। और टोटल जो अपना स्टेज है अभी फिलहाल वो 80x40 का बड़ा स्टेज बना हुआ है। अच्छा, ये जो बड़ा स्टेज है उसके पीछे एक बड़ा सा बैकड्रॉप रहेगा जिसमें अम्बा देवी का जो मंदिर है, हमारी अम्बा माता एक माता जी का वहाँ पे जो पीछे बैकड्रॉप जो पीछे उनका ये रहेगा पूरा, उसमें वो लगा हुआ है बैकड्रॉप में। और जो हनुमानगढ़ी की जो अपनी हनुमान जी की प्रतिमा बन रही है उसका यहाँ पे कटआउट लगेगा। अच्छा, और भगवान शंकर जी का यहाँ पे कटआउट लगेगा। सामने ये पैसे चुरा डी, सामने ये डी रिजर्व रखा हुआ है, जो भी वीवीआईपी आते हैं जैसे मिनिस्टर्स जो भी आ रहे हैं तो मिनिस्टर्स के लिए यहाँ बैठने की व्यवस्था की गई है, और जो भी वीवीआईपी आएंगे वो ये रिजर्व रखा है ये स्पेस, वो रिजर्व डी में यहाँ पे बैठ पाएंगे। और उनके लिए आप देख सकते हैं उधर से अलग से एक रोड बना हुआ है, जैसे भी आप देख रहे हैं रोड की तैयारी चालू है, वो वीआईपी रोड वहां तक बन चुका है, ये भी अभी यहां तक आ चुका है, आप पीछे साइड जब जाएंगे आपको दिखेंगे बैरिकेडिंग उसको कर चुके हैं, तो यहां से अंदर कोई भी नहीं आएगा, आप उधर वो साइड चल के देखिएगा तो आपको रोड भी दिख जाएगा। और लाइट की क्या व्यवस्था, किस प्रकार लाइट कैसे जनरेटर से आएगा? लाइट जो है बाकी समय तो पूरा एमईसीबी का, यहां पे पूरा मीटर्स की भी हमने मीटर ले लिया, नया कनेक्शन मिल गया, उतना जितना लगता उतना जितना उसका लोड लगता है उसका एलईडी के वहाँ पे जो नए ये भी लगाए हुए सप्लाई भी लिया हुआ है। और जो कथा के समय जो चलेगा उसके लिए जनरेटर की व्यवस्था की है, उसके लिए हमने ईसीआर रूम भी सेटअप किया है, इलेक्ट्रिकल कंट्रोल रूम, तो उसका सेटअप भी हमने स्टेज के 200 फीट पीछे किया है। और आप राइट साइड में देख सकते हैं कि ये जब रोड है वीआईपी, वो वीआईपी रोड को लग के हमने वीआईपी पार्किंग भी पीछे का पीछे दिया, मतलब गाड़ियों की पार्किंग वीआईपी के पीछे 100x700 फीट का हमने यहाँ पे पार्किंग दिया हुआ है। अच्छा, 100x700 का वीआईपी पार्किंग दिया हुआ है, तो जो भी वीआईपी आते हैं वो इधर से सीधे रोड से होते हुए डायरेक्टली स्टेज पे आ सकते हैं, रोड का काम चालू है आने के लिए उनका। और पीछे ये स्पेस में क्या रहेगा इधर, ये यहाँ पे वीआईपी जो पासेस जो जाने वाले है या वीआईपी जो भी हमारे अधिकारी लोग है या जो भी वीआईपी है उनके लिए बैठने की यहाँ पे व्यवस्था की गई है कि वो डायरेक्टली यहाँ पे आ सके। और वो वीवीआईपी का जो भी एंट्रेंस है वो दिया हुआ है, जहाँ पे महाराज जी की भी गाड़ी आएंगी वो डायरेक्टली स्टेज तक रुकेंगी। और पीछे साइड में हमने एक सेफ रूम दिया हुआ है और 2 ग्रीन रूम दिए हुए हैं, यानी इमरजेंसी एग्जिट में इमरजेंसी को सेफ रूम, एक 20x50 का पूरा सेफ रूम बना हुआ है, बाद में 20x20 के ऐसे 3 वीआईपी रूम बने, और उसमें लैट बाथ का भी हमने वहाँ पे आप देख सकते हैं। वो टेम्पररी आप बाकी लोगों की क्या व्यवस्था उसमें भी देख सकते हैं कि वहाँ पे आप पीछे साइड में देखते हो ब्लू कलर के वहाँ पे 200 टॉयलेट्स की हमने व्यवस्था की है, पुरुषों के लिए अलग की हुई है और महिलाओं के लिए अलग की है। एक साइड है कि चारों साइड, क्योंकि उत्ता पीछे वो साइड सिर्फ टॉयलेट्स है, और यहाँ पे कथा मंडप के लेफ्ट साइड में यूरिनल्स की व्यवस्था की है, और राइट साइड में भी यूरिनल की व्यवस्था की है, और टॉयलेट्स की व्यवस्था हमने पीछे साइड में की हुई है। तो यानी कोई भी व्यक्ति 500 मीटर में आसपास यूरिनल या टॉयलेट चलना पड़ेगा तो वो टॉयलेट या यूरिनल तक पहुंच सकता है। वहाँ पे हमने गर्म पानी की व्यवस्था भी की है, जो भी सवेरे यहाँ पे रुके लोग है उनको नहाने के लिए गर्म पानी की भी व्यवस्था यहाँ पे की है। बाद में महिलाओं के लिए हमने महिला कक्ष एक वहाँ पे अलग बनाए हैं, वहाँ पे एक हमने फीडिंग सेक्शन भी बनाया कि जो भी महिला स्तनपान करते हैं तो उनके लिए भी हमने अलग से वहाँ पे एक सेक्शन बना हुआ है कि वहाँ पे बैठ के आराम से सेफली और सिक्योरली। उसके बाद में आपने सेंटर में देखा होगा एक पुलिस कंट्रोल रूम हमने बनाया है 20x60 का पूरा, 1200 फुट का एक 20x60 का, जिसमें पूरे सीसीटीवी लगने वाले। आप देख रहे हैं कि पूरा पंडाल और पूरा एरिया, मतलब ये जहाँ पे कथा स्थल कवरेज करेगा नियर अबाउट यहाँ पे 400 के करीब सीसीटीवी कैमरा लग रहे हैं, काम चालू हो गया। रोड के साथ में भी, रोड के साथ में पार्किंग के साथ में, और ये कथा मंडप वो भी हमने सीपी सर के मार्गदर्शन में कमिश्नर ऑफ पुलिस जो उन्होंने उनको स्टाफ दिया था उनके माध्यम से जो पॉइंट उनके उन्होंने निकाले हुए और कुछ हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने जो पॉइंट निकाले वो पॉइंट को लेके यहाँ पे पूरी यहाँ पे सीसीटीवी की व्यवस्था आप देख सकते हैं। यहाँ लाइट भी लग चुके हैं अभी पूरे, लाइट लग गए बाहर के साइड में, और ये सीसीटीवी है, साई कंप्यूटर संजय दिख रहा है, सीसीटीवी का काम यहाँ पे शुरू हो चुका है। वाटरप्रूफ पूरा पेंडोल ये वाटरप्रूफ है, अंदर देख रहे पूरा का पूरा कवर्ड कर दिया, कहीं पे भी किसी भी प्रकार से ऊपर से कोई छेद या कोई रोशनी की जो पानी टपके। अब एक चीज का मैं मुझे वापस थोड़ा सा ये है कंफ्यूजन, समझो पानी आता है
ये बीच का पोर्शन पर्दे से कवर होता है ये। अच्छा, ये ऊपर ऊपर। हाँ, तो वो पानी का जो फ्लो किधर रहेगा बहने का, कहीं तो उसको निकासी नहीं? अभी अभी जो पानी है वो पानी का यहाँ पे फ्लो रहेगा तो उधर साइड में पूरा सामने निकल जाता है। अच्छा, तो उसका स्लोप भी यार होता है पूरा टेन का। हाँ, तो वो साइड में पानी पूरा निकल जाता है और इधर भी पानी निकलता है। काफी आप देखते हो यहाँ पे मट्टी है। हाँ, तो काफी ज्यादा पानी वो जमी यहाँ पे पी लेती है। नहीं, जैसे अब दो दिन पहले भी पानी आया। हाँ, पानी का भी असर दिख रहा है आपको। हाँ, पैर में मिट्टी में लग रहा है, थोड़ी सी भारी। अभी इसमें अभी रोलर भी घुमाया आप देख सकते हैं, रोलर घूम चुका है उधर, पूरा रोलर घुमाए। ये भी अभी इनका यहाँ पे पूरा काम जब फिनिश होता है तो उसमें पूरा रोलर घुमा दिए जाएंगे कम्प्लीटली। यहाँ पे कारपेट डलेगा पूरा, यहाँ पे पूरा, यहाँ पे पूरा कारपेट डलेगा। यहाँ पे पूरे कारपेट के ऊपर यहाँ पे भक्तगण बैठ सकते हैं। ये थी पूरी एक फुल प्रूफ व्यवस्था, कोई एक बड़ा आयोजन। हालांकि सबका अनुभव पहली बार है, शायद मिलिंद का भी पहली बार का इतने बड़े आयोजन का अनुभव, देखने का भी करने का भी। एक बहुत बड़ा सौभाग्य भी नहीं मिलेगा इतने बड़े आयोजन के बीच में जो कंस्ट्रक्शन पार्ट है, जो कंस्ट्रक्शन पार्ट है जिसको पूरा पूरा मैनेज करना है, बनाना है, उसमें सहभागी रहे। इतना बड़ा क्या लगता है, इतने बड़े नियोजन में आप किस प्रकार? हमने इसके पहले एक नासिक में अभी कथा हुई है जी जी। वो नासिक कथा में मैंने खुद जाके वहाँ पे भेंट दिया जी जी। वहाँ का भी प्लानिंग जो इंजीनियर थे उनसे हमने वहाँ पे डिस्कशन किया। उसके बाद में वहाँ पे हम एक दिन खुद रुक के आए, नागपुर में रुक के आए, पूना में रुक के सारा देख के आए। कैसा वो तीन चार जगहों की जो कथा वहाँ पे हुई है जी जी, वहाँ का पूरा अवलोकन करते हुए, वहाँ की पूरी व्यवस्थाएं देखते हुए हमने यहाँ पे व्यवस्था की है। और जो उनके पास में जो अव्यवस्थाएं हुई थी जी जी, जो ड्रॉबैक्स उनके कथा में रह गए थे कि ये चीजें रहने की करने की रह गई, वो भी हमने यहाँ पे सुधार लिए। कि वो उन्होंने हमको सजेशन किया कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ सीसीटीवी का पूरा काम हो रहा है। यहाँ पे जो भी पॉइंट्स यहाँ पे कवर करने जो हमको बताए गए वो हिसाब से यहाँ पे सीसीटीवी पूरा लगेगा। तो पूरा पंडाल सीसीटीवी से कवर पंडाल भी और बाहर भी सीसीटीवी, बाहर भी सीसीटीवी रोड पे रहेंगे। उसके बाद में पार्किंग में भी सीसीटीवी रहेंगे। और आप देख सकते हैं राइट साइड में और लेफ्ट साइड में हमने पानी की व्यवस्था अलग से की है, जिसमें पूरा टाइम आरओ वाटर रहेगा पीने के लिए। तो 5000 लीटर की यहाँ पे 25 टंकियां यहाँ पे फिटिंग की हुई है, 25 टंकियां आरओ के साथ में जाओ और पानी लेके आओ पीने के लिए। और 2000 लीटर की पंडाल के पास में, यानी जो भी भक्तगण यहाँ पे बैठेंगे वो भक्तगण यहाँ पे पानी की अपनी जो बॉटल साथ में लाई है, जो भी लाए वो उसको भर के यहाँ पर ला सकते हैं। तो आप राइट साइड में देख सकते हैं कि 2000 लीटर की पूरी 10 टंकियां और लेफ्ट साइड में भी 2000 लीटर की पूरी 10 टंकियों का यहाँ पे हमने प्रावधान किया है। ये थी पूरी व्यवस्था, डोम से संबंधित बातें, वाटर प्रूफिंग, पानी आया तो उसका नियोजन, नीचे बैठने की व्यवस्था, महाराज जी का ऊपर का मंच और मंच के आसपास की जो है वो यूरिनल की, क्योंकि बहुत जरूरी व्यवस्था यूरिनल की व्यवस्था, उसके साथ में सारे सीसीटीवी लाइट्स कैमरे और पूरी एक फुल प्रूफ जिसे कोई चीज़ छूटी नहीं। बता रहे थे कि बाकी जगह कथा में भी जाके आए कि उनको क्या अव्यवस्था हुई, तो उनसे अनुभव कि उनको जो व्यवस्था हुआ वहाँ वो अव्यवस्था यहाँ पे दूर करने का प्रयास पूरा यहाँ पे किया गया और एक फुल प्रूफ यानी बेहतर नियोजन जैसे आज दिख रहा है। निश्चित रूप से ये नियोजन आगे कंटिन्यू चलता रहेगा पूरा जो 1.5 महीने से यहाँ पे काम कर रहे हैं, जिस तरह के यहाँ पे रोलिंग और बाद में जेसीबी से लेके जो भी लेवल्स किए ग्राउंड की, वो सब अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे रोलर पूरा चल रहा है जी। ये रोलर के माध्यम से पूरा अभी यहाँ पे प्लेन हो जाएगा और यहाँ पे कारपेट डलेगा। उधर एक वैद्य का कक्षा हमने लगाया है आप देख सकते हो वो साइड में जो, और उधर वो साइड में कमर्शियल स्टॉल्स की व्यवस्था की है। अच्छा, उस साइड में 100 कमर्शियल स्टॉल रहेंगे, उनको भी कमर्शियल स्टॉल यहाँ पे लगाना है, वो कमर्शियल स्टॉल वहाँ पे लगा सकते हैं। ये मैदान समिति में गए 1.5 महीने से, हमारे पिछले 1.5 महीने से लगातार यहाँ पर जब से उसका घोषणा हुई है इस जगह पे करने की, तब से लगातार यहाँ पर उपस्थित ये पूरी टीम, हमारे गोविंद भाई गांधी जिन्होंने हमारा यहाँ पे पूरे प्लानिंग में सब प्लान बनाने में और सब व्यवस्था करने में यहाँ पे जो सहयोग दिया है उनका पूरा 100% हमारा साथ, हमने जो प्लान बनाए उसमें सहयोग था। हमारे पवन भाई है, बाद में हमारे राजू भैया है, विनोद भैया यहाँ पे 1.5 महीने से यहीं पर है कि जो पूरी मैदान की समिति यहाँ पे बनी हुई है उनकी पूरी व्यवस्था यहाँ पे देख रहे हैं। एक पूरा टीम वर्क जिसके अंतर्गत पूरा ये काम हो रहा है। और हम बताया कि 5 दिन पहले जब यहाँ पर भूमि पूजन होता उस दिन एक खिल्ला भी नहीं ठोका था। 5 दिन में हम तैयारी देख रहे हैं, मात्र अब 6 दिन बचे, 6 दिन में शायद हो सकता जिस ढंग से तैयारी चली है, 2 दिन पहले पूर्व का पूर्व
तैयार होकर शायद आए जो कि हाथ में दे दे।